हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है बॉडीज बॉडीज बॉडीज। यह मूवी 2022 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम सोफी और बी दो लड़कियों को देखते हैं जो इंटीमेट हो रही थी। उसके बाद वह दोनों अपनी कार में बैठते हैं। सोफी बी को अपने बेस्ट फ्रेंड डेविड के घर लेकर जाती है जहां उसके ग्रुप के दोस्तों की पार्टी होने वाली है। घर पहुंचते ही बी सोफी से कहती है कि मैंने अपना सामान गाड़ी में भूल गई हूं। जिसके बाद सोफी घर के अंदर चली जाती है और बी कार के अंदर अपना मेकअप करती है और गलती से कार की फ्रंट लाइट को बंद किए बिना घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर हम डेविड, उसकी गर्लफ्रेंड एमा और क्रैग और उसकी गर्लफ्रेंड एलिस और जॉर्डन देखते हैं जो पानी के अंदर डुबकी लगा रहे थे और देख रहे थे कि कौन कितनी देर तक पानी के अंदर रह सकता है। फिर वह सभी लोग जैसे पानी के बाहर आते हैं तो उन्हें सामने सोफी दिखाई देती है जिसे देखकर डेविड चौंक जाता है। जॉर्डन सोफी से कहती है कि हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आओगी। फिर सोफी कहती है कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ आऊंगी और ग्रुप में मैसेज भी किया था। उसके बाद पीछे से एलिस एक शैंपेन की बोतल लाती है जिसे देखकर डेविड उसे बोलता है कि वह बोतल वापस रख देने, जिसमें एलिस कहती है कि आज यहाँ सोफी आई है इसलिए शैंपेन का मजा लेते हैं। उसके बाद भी डेविड को खाने के लिए जुक्किनी ब्रेड देती है। फिर वहाँ क्रैग आता है और उस शैंपेन की बोतल को एक छोटे तलवार से खोल देता है जिसे देखकर सभी लड़कियां उसे चीयर करने लगती है और उसको देखकर डेविड थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि यह कोई भी कर सकता है। फिर वहां बारिश शुरू हो जाती है और डेविड कहता है कि शाम के समय यहां पर तूफान आने वाला है। उसके बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर भी घूम रही होती है। फिर वहां जॉर्डन आती है और उसे कहती है कि सोफी से बचके रहने के लिए और फिर जॉर्डन वहां से चली जाती है। इधर हम डेविड और सोफी को आपस में बातें करते देखते हैं जिसमें डेविड क्रैग के बारे में बात करता है कि वह पहले आर्मी में काम करता था। सोफी उससे कहती है कि वह बहुत ही हैंडसम है, जिसमें डेविड कहता है कि मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ। सोफी डेविड से कहती है कि तुम्हारी आँख इस तरह क्यों है, तो डेविड कहता है कि मैक्स ने उसे मारा है। इधर हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जो टिकटॉक वीडियोस बना रही थी। फिर शाम हो जाती है और उसके बाद जाकर असली पार्टी शुरू होती है जहां हम देखते हैं सोफी डेविड के साथ बात करती है और बोलती है कि तुम्हें चिल करना चाहिए, जिसमें कि डेविड कहता है कि मुझे हाइड्रेट होने की जरूरत है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए कहता है जो कि जॉर्डन के साथ डांस कर रही थी। सोफी यह देखकर जेलस फील करती है और चिल्ला के कहती है कि कौन मेरे साथ खेलेगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज। जिसके बाद सभी लोग नीचे बैठ जाते हैं और सोफी गेम के रूल्स समझाने लगती है। कहती है घर के सारे लाइट्स बंद रहेंगे और अगर तुम खूनी हो तो तुम्हें किसी को मारना होगा। सिर्फ तुम्हें बॉडी को टच करना है और वह बॉडी को नीचे गिरा देना और वह खूनी के पास एक क्रॉस का निशान होगा जिसे हमें पता लगेगा कि वही खूनी है और जिसे भी वह बॉडी मिलती है वह चिल्लाकर बोलेगा बॉडीज बॉडीज बॉडीज। उसके बाद सभी लोग सर्कल बनाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे को चांटा मारते हैं, जिसमें डेविड क्रैग को जोर से पंच मार देता है। उसके बाद क्रैग गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। उसके बाद सभी लोग उठकर घर की लाइट बंद कर देते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी लड़कियां बॉडीज 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 कहकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां क्रैग की बॉडी पड़ी हुई है। एलिस क्रैग को उठाने की कोशिश करती है पर वह उठता नहीं है, जिससे सभी लोग समझते हैं कि वह असली में मर गया है। उसके बाद डेविड उसे हल्का सा मारता है, जिसके बाद क्रैग उठकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद सभी लोग डिस्कस करते हैं कि कौन किलर है। सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, जिसमें क्रैग डेविड को ताने मारता है, जिसे सुनकर डेविड थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसके बाद क्रैग बोलता है कि मुझे अब सोना चाहिए, मैं ऊपर कमरे में सोने जा रहा हूँ। उसके बाद डेविड अपनी गर्लफ्रेंड एमा पर निशाना तानता है और कहता है कि अभी तक एमा ने एक लफ्ज भी नहीं कहा और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है, क्योंकि एलिस जानती है कि उन दोनों के बीच ज्यादा प्राइवेट नजदीकियां नहीं हुई है। यह सुनकर डेविड गुस्सा हो जाता है और एमा से कहता है कि तुम हमारी सारी बात एलिस से कहती हो। उसके बाद सभी लोग डेविड के ऊपर ही उंगली करते हैं और कहते हैं कि यही खूनी है। यह सुनकर डेविड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लाइट चली जाती है क्योंकि उस समय तूफान चल रहा होता है। फिर सारी लड़कियां इधर उधर जाने लगती है। फिर हम देखते हैं डेविड का गला कटा हुआ था
और वह तड़प तड़प के मर रहा था। फिर उसे घर के अंदर लाया जाता है और सभी लोग देखते हैं कि वह मर चुका है। फिर सभी लोग उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पर बाहर सोफी की गाड़ी रहती है और वह लोग देखते हैं कि गाड़ी की बैटरी डाउन हो चुकी है और गाड़ी बंद पड़ चुकी है। फिर वह लोग सब अंदर आ जाते हैं। बाद में हम जॉर्डन को देखते हैं जो वही छोटे तलवार को लेकर आई थी जिसमें डेविड का खून लगा हुआ था। जॉर्डन एलिस से कहती है कि क्रैक कहाँ पर है। एलिस बताती है कि वह सोने गया है। जॉर्डन कहती है कि इतना सब कुछ हो चुका है और उसे भनक भी नहीं लगी है। जिसके बाद वह सभी लड़कियां क्रैक को ढूंढने ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने के बाद बी को जॉर्डन का एक कपड़ा मिलता है जिसे जॉर्डन वापस ले लेती है। उन लोगों को सामने वाले बिस्तर में देखती है और उन्हें वहाँ एमा मिलती है। एलिस उसे एक सानॉक्स दवाई देती है खाने के लिए। एमा कहती है कि मैक्स कहाँ पर है, जिसमें एलिस कहती है कि शायद मैक्स ही ने यह सब कुछ किया है क्योंकि मैक्स डेविड से गुस्सा रहता है। जिसमें जॉर्डन कहती है कि मैक्स ऐसा नहीं कर सकता और क्रैक को ढूंढने के लिए कहती है। फिर वह सभी लड़कियां एक रूम में जाती हैं जहां उसे क्रैक लेटा पड़ा मिलता है। क्रैक कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं यहां एक्सरसाइज करने के लिए चला आया। एमा क्रैक से कहती है कि तुमने डेविड को मारा है। यह सुनकर क्रैक समझता है कि वह लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। जिसके बाद क्रैक सोफी से चाकू छीन लेता है। फिर एलिस उसे चाकू नीचे रखने के लिए कहती है। जैसे ही क्रैक चाकू नीचे रखता है बी पीछे से क्रैक के सिर पर वार करती है और उससे मार डालती है। उसके बाद एलिस कहती है कि क्रैक ने डेविड का खून नहीं किया। जिसमें जॉर्डन कहती है क्रैक पहले आर्मी में काम करता था तो उस हिसाब से हम में से सबसे ज्यादा वायलेंस यही कर सकता है। एलिस कहती है कि यह सब झूठ है, हमने इसे मार डाला है। इसके बाद बी अपने कपड़े में ही उल्टी कर देती है। सोफी बी से कपड़े बदलने के लिए कहती है। इधर हम बाकी लड़कियों को देखते हैं। एलिस कहती है कि यह सब मैक्स के चलते हो रहा है क्योंकि मैक्स एमा को पसंद करता था। एमा कहती है कि मैक्स मुझे पसंद करता था पर वह डेविड को नहीं मार सकता। सोफी एमा से कहती है कि तुमने डेविड से कभी प्यार ही नहीं किया, तुमने सिर्फ प्यार का दिखावा किया है। उसके बाद एमा कहती है कि मैं डेविड से बहुत प्यार करती थी और वह कहता था कि जब से तुम उसकी जिंदगी से दूर गई हो वह सुकून से रहने लगा है। यह कहकर एमा वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सोफी एक कमरे में एक दवा बना रही थी और उसके बाद सोफी एमा से मिलती है और उसे माफी मांगती है और उसके बाद वह दवा उसे दे देती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं एलिस एक बॉडी के ऊपर गिरती है और वह बॉडी कोई और नहीं बल्कि एमा की बॉडी थी। यह देखकर हमें यह पता लगता है कि जो दवा सूफी ने एमा को दी थी वही दवा खाकर एमा मर गई। फिर सभी लड़कियां वहां पर आ जाती है। उसके बाद एलिस बी पर शक करती है और सोफी से पूछती है कि तुम बी को कब से जानती हो। जिसके बाद जॉर्डन कहती है कि हमारे यूनिवर्सिटी में इस साल तुम्हारे नाम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। एलिस कहती है कि तुमने ही क्रैक को जानबूझकर मारा है। जिसके बाद एलिस बी को घर के बाहर कर देती है। फिर बी घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है पर सारे दरवाजे बंद रहते हैं। फिर बी अपने गाड़ी में चली जाती है और वहां वह कपड़े बदलती है। तभी वह उस गाड़ी में जॉर्डन का कपड़ा देखती है। बी को शक होने लगता है कि सोफी और जॉर्डन मिलकर उसे धोखा दे रहा है। बी वापस घर की ओर जाती है और वह खिड़की से देखती है कि जॉर्डन पास एक बंदूक है। फिर वह किसी तरह घर के अंदर चली जाती है। अंदर आने के बाद बी सभी से कहती है कि जॉर्डन के पास एक गन है। फिर जॉर्डन कहती है कि मेरे पास गन कैसे आएगी और मैं क्यों डेविड और एमा को मारूंगी, वह मेरे पुराने दोस्त है, तुम सोफी से झूठ बोल रही हो। उसके बाद बी अपनी सच्चाई बताती है और कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली थी और पहली सेमेस्टर के बाद ही मुझे घर वापस जाना पड़ा क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती है। इसके बाद जॉर्डन अपने पास से गन निकालती है। बी से कहती है कि तुमसे पहले सोफी मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों ने एक साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड किए थे। यह सुनकर सोफी बी से कहती है कि यह झूठ बोल रही है। सोफी कहती है कि तुम एलिस को पसंद नहीं करती और उसकी पॉडकास्ट चैनल को भी पसंद नहीं करती। यह सुनकर एलिस गुस्सा हो जाती है और जॉर्डन एलिस के पैर पर गोली मार देती है। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और गलती से गोली चल जाती है और गोली लगती है एलिस को और वहीं पर मर जाती है। जॉर्डन अपनी बंदूक उठाती है और सोफी को धमकी देती है। तभी पीछे से बी जॉर्डन को पकड़ लेती है और फिर सोफी जॉर्डन को पकड़ के वहां से नीचे फेंक देती है
जिसके कारण जॉर्डन की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद बी सोफी से पूछती है कि क्या तुमने डेविड को मारा है। सोफी कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा। अचानक बी वहां से भागने लगती है और एक जगह छुप जाती है और सोफी उसे ढूंढने लगती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही बी और सोफी घर के बाहर मिलते हैं। सोफी कहती है कि मैंने एमा को एक दवा दी थी जिसके कारण वह मर गई। फिर बी सोफी को बंदूक दिखाती है और उसे अपना फोन देने के लिए कहती है, क्योंकि वह सोफी का मैसेज चेक करना चाहती थी कि सही में जॉर्डन और उसके बीच कुछ चल रहा था कि नहीं। जिसके बाद सोफी अपना फोन फेंक देती है, जिसके बाद बी उसका फोन लेने के लिए दौड़ती है और दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। पानी से निकलने के बाद ही वह सामने एक फोन देखते हैं जो कि डेविड का फोन था। वह फोन में चेक करती है और देखती है कि डेविड एक वीडियो बना रहा होता है जिसमें कि वह क्रैक की तरह शैंपेन की बोतल को तलवार के सहारे खोलने की कोशिश कर रहा था और उसी के चलते वह गलती से तलवार उसकी गले में लग जाती है और उसका गला कट कर वहीं पर वह मर जाता है। यह देखकर हमें पता लगता है कि असल में कोई खूनी है ही नहीं और इसी गलतफहमी के चलते सभी लोगों का पोल खुलने लगा और सभी लोग आपस में ही लड़कर मर गए। आखिर में मैक्स को देखते हैं जो घर में आता है जो कि डेविड का फ्रेंड था। वहां आकर डेविड का डेड बॉडी देखता है और उन लोगों से पूछता है कि यहां क्या हुआ और उसके बाद ही यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।